जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में हो रहे आतंकवादी हमलों के विरोध में समूचे जिले में व्हीप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में उबाल दिखा। इस मसले को लेकर कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंका, बाद में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इससे हिंदुओं में आक्रोश तेजी से पनप रहा है। आतंकी वारदातों के विरोध में बुधवार को सीतापुर जिले के ब्लॉक प्रखंड पर भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता गुस्से में दिखे। सीतापुर शहर में विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विहिप के जिलाध्यक्ष विपुल सिंह की अगुवाई में लालबाग चौराहे पर प्रदर्शन और आतंकवाद का पुतला फूंका। बाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। इसी प्रकार बिस्वा के बड़ा चौराहा पर भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला भी जलाया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों तथा अत्याचारों को रोकने की मांग की है। हम लोग जो है बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, मोदीजियों को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ जो है बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हमें ज्ञापन दिया है जो राष्ट्रपति को संबोधित है, BDO साहब को दिया गया है। ये पुतला उन्हीं का था, ये पाकिस्तान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का। इसका क्या उद्देश्य है? हमारे देश के का जो संविधान है, गणतंत्र देश है हमारा, और हमारे देश के जो बंधु हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, विभत्स प्रताड़ना, और उनके घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कारों को जलाए जा रहे हैं, मठ मंदिरों को जलाए जा रहे हैं, हिंदू घरों को जलाए जा रहे हैं, बहु बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये कितना विभत्स है। और इससे दुखित होकर के, प्रताड़ित होकर के हम लोगों ने इस पाकिस्तान के और बांग्लादेश को का हम लोगों ने पुतला दहन किया है, और ये सरकार से मंशा जाहिर करते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि वहाँ जो हिंदू हैं वो स्वतंत्र हों और सकुशल रहें, और वो अगर वो चाहें भारत में आना तो उनके व्यवस्था की जाए, और उन्हें अगर वहाँ इस प्रकार का वो है तो उनको अपने देश में लाया जाए। हर गांव के मुख्य चौराहे पर जम्मू कश्मीर व बांग्लादेश में हो रहे आतंकवादी हमलों के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुधवार को नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आतंकवाद का पुतला भी फूंका। बाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी को सौंपा। इस दौरान प्रखंड मंत्री रवि मिश्रा ने बताया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ व महिलाओं बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस अवसर पर विहिप प्रखंड अध्यक्ष अजीत सिंह, जिला सह संयोजक अनु सिंह भदौरिया, स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक अखिलेश वाजपेयी, संजय दीक्षित, गोपाल शास्त्री, प्रखंड उपाध्यक्ष सतीश चंद्र पांडे, जिला सह मंत्री उपकारशील शुक्ला, विपुल भदौरिया, आशीष अवस्थी, प्रताप सिंह, गौरव सिंह, शिवम सिंह, नितिन मिश्रा, अमन राजवंशी, देवेंद्र सिंह, दीपक तिवारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। Yeah!